हमारा नाम है रतन नोरा और अलीगढ़ में आया हूँ पूरा के पूरा। अलीगढ़ वालों तुम्हारे बिना हम हूँ धतूरा, अगर तुम्हारा प्यार आज मिल जाए तो हो जाऊँगा पूरा। लव यू ऑल। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया में हर सिटी में चर्चा की सिटी है ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। हमारे भाभी जी घर पे के राइटर मनोज संतोषी जी बहुत ही प्यारे हमारे मित्र, मेरे तो स्ट्रगल को लेकर हम लोगों ने इनफैक्ट स्ट्रगल साथ में शुरू किया था एक ही एरिया में सांता क्रूज में। हालांकि आज तक क्रूज का नाम लेना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, मैं सांता क्रूज की बात कर रहा हूँ। ठीक है सर, क्रूज की बात की क्रूज। हाँ सर, क्या कहना चाहेंगे क्रूज आर्यन मामले पर? बहुत सारा मिला जुला रिएक्शन है सबका। कोई ये कह रहा है कि ये आर्यन को फंसाया जा रहा है, कोई कह रहा है कि समीर वानखेड़े को फंसाया जा रहा है जी, कोई, लेकिन इन सब मैटर में जनता को फंसाया जा रहा है जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अभी सब जुडिस है, कानून में है, लेकिन कानून सबसे बेहतर फैसला करेगा। लेकिन मैं शाहरुख खान का भी फैन हूँ, मैं समीर वानखेड़े का भी फैन हूँ। कानून का भी सम्मान करना है हमें और हमारे हीरोज का भी, जिसने जिस देश में हीरोज का सम्मान होता है उस देश में हीरोज पैदा होते हैं और हीरोज पैदा होते रहने चाहिए। और अब तक तो मेरे ख्याल से शाहरुख खान का रिकॉर्ड, फैमिली बैकग्राउंड या आर्यन का फैमिली बैकग्राउंड, कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं रहा। छोटी मोटी गलती युवाओं से होती है, मैं समझता हूँ हर जगह का युवा करता है। उसकी जांच करके उसे सुधरने का मौका देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तिवारी आपका स्वागत करता हूं और हमारे सामने इस समय मौजूद हैं कॉमेडी के बेताज बादशाह स्टैंड अप कॉमेडियन सुनील पाल। सर आपका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अक्सर हम आपके रतन नूरा जो चेहरा है बहुत फेमस है, तो सर दो झलकियां हमें मिल जाए। हमारा नाम है रतन नोरा और अलीगढ़ में आया हूँ पूरा के पूरा। अलीगढ़ वालों तुम्हारे बिना हम हूँ धतूरा, अगर तुम्हारा प्यार आज मिल जाए तो हो जाऊंगा पूरा। लव यू ऑल। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और सर कुछ क्या आपको अलीगढ़ में? अलीगढ़ में मैं समझता हूँ कि अगर आदमी दिमाग से पैदल हो तो लोग कहते हैं अलीबाग से आया है और अगर दिमाग से स्ट्रांग हो तो लोग कहते हैं अलीगढ़ से आया है। यहाँ पर अलीगढ़ में जो है यूनिवर्सिटी है, दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ऐसी चीज़ है कि वहाँ से सीखा हुआ आदमी कहीं पर भी जाए मेरे ख्याल से वो फेल नहीं हो सकता। और फिर अलीगढ़ के ताले बड़े मशहूर हैं, हाल ही में हमने लॉकडाउन देखा लेकिन अलीगढ़ में ज़्यादा लॉकडाउन में असर नहीं कर पाया क्योंकि इनका अपना खुद का लॉकडाउन खुद का ताला है, कोरोना भी ज़्यादा रुक नहीं पाया। और बाकी प्रति महारथी शूरवीर वीर योद्धाओं में अलीगढ़ का कोई जवाब नहीं है, राजनीति में कोई जवाब नहीं, कलाकार स्पोर्ट्स में हमारे प्रिय दादू रविंद्र जैन साहब जो एक दुनिया का आठवां अजूबा मैं उन्हें कहूँगा वो यहीं के अलीगढ़ के हैं, नसीरुद्दीन शाह अलीगढ़। तो मतलब लगता है कि कलाकारों की या हर चीज़ की नंबर वन श्रृंखला जो है वो यहीं पर है। और अलीगढ़ जो है, अली का नाम है, अली का गढ़ है जिसमें मालिक का नाम है, ऊपर वाले का नाम है, खुदा का नाम है, वहाँ तो हर चीज़ नंबर वन ही हो। सर लॉकडाउन को लेकर के आपने चर्चा की तो हाल ही में आप भी थोड़ा सुर्खियों में रहे और एम्स के डॉक्टरों वाला जो आपको प्रकरण मालूम भी होगा, तो क्या अब वो मामला तो खत्म हो? देखिए क्या है जी, डॉक्टर्स का मैं सम्मान करता हूँ और मेरा ऐसा मानना है कि डॉक्टर्स अच्छे ही होते हैं, लेकिन अगर आप किसी दिन हॉस्पिटल में जाएंगे, मैं भी गया हूँ, मेरी सिस्टर का देहांत हो गया उस एक से दो साल पहले, तो मैंने अनुभव किया कि सभी जगह पर सभी महकमे अच्छे नहीं होते और वहाँ पर बोलना भी चाहिए एक व्यक्तिगत। तो मैंने बोला, जिसको बुरा लगा उसको मैं सभी माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। इवन कोर्ट ने भी, जब कोर्ट में केस गया तो कोर्ट ने कहा कि ये तो बातचीत करने का तरीका है, बोलने का तरीका है, बोल सकते ये कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं जी। आइए, और यहाँ के कलाकार चाहे दादू हो, रविंद्र जैन साहब, नसीरुद्दीन शाह हो,
थे या और भी बहुत सारे कलाकार हैं, हमारे भाभी जी घर पे के राइटर मनोज संतोषी जी बहुत ही प्यारे हमारे मित्र, मेरे तो स्ट्रगल पीरियड के हम लोगों ने इनफैक्ट स्ट्रगल साथ में शुरू किया था एक ही एरिया में सांता क्रूज में, हालांकि आज तक क्रूज का नाम लेना बहुत मुश्किल हो रहा है, मैं सांता क्रूज की बात कर रहा हूँ ठीक है। एंड उसके बाद फिर अलीगढ़ में आप राजनीति में देखिए कितने अच्छे अच्छे लोग आए, और मैं समझता हूँ कि जवाब नहीं, और फिर जैसे मैंने कहा कि जिस शहर के नाम के साथ ही अली का नाम है तो ऊपर अली का नाम जिस शहर में हो वहाँ तो हर चीज सर्वोपरि होगी, सबसे अच्छी होगी। हरी, हाँ तो बात एक ही है, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। क्रूज की बात की, क्रूज हाँ सर, क्या कहना चाहेंगे क्रूज आर्यन प्रकरण मामले पर? बहुत सारा मिला जुला रिएक्शन है सबका, कोई ये कह रहा है कि आर्यन को फंसाया जा रहा है, कोई कह रहा है कि समीर वानखेड़े को फंसाया जा रहा है जी, कोई, लेकिन इन सब मैटर में जनता को हंसाया जा रहा है जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अभी सब जुडिस है, कानून में है, लेकिन कानून सबसे बेहतर फैसला करेगा। लेकिन मैं शाहरुख खान का भी फैन हूँ, मैं समीर वानखेड़े का भी फैन हूँ, कानून का भी सम्मान करना है हमें और हमारे हीरोज का भी, जिसने जिस देश में हीरोज का सम्मान होता है उस देश में हीरोज पैदा होते हैं और हीरोज पैदा होते रहने चाहिए। और अब तक तो मेरे ख्याल से शाहरुख खान का रिकॉर्ड, फैमिली बैकग्राउंड या आर्यन का फैमिली बैकग्राउंड, कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं रहा, छोटी मोटी गलती युवाओं से होती है मैं समझता हूँ, हर जगह का युवा करता है, उसकी जांच करके उसे सुधारने का मौका देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बाकी कानून बेस्ट जानता है और वो सब बेस्ट फैसला हो, मैं यही चाहता हूँ। सत्यमेव जयते का जो नारा है वो सबसे ऊपर होना चाहिए, अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो उसकी सजा मिलनी चाहिए, और नहीं किया तो मुझे लगता है कि उसे रिहा करना चाहिए। ये जो ड्रग्स कचरा है ये तो काफी लंबे अरसे से चला आ रहा है जी, तो कौन सी है? नहीं नहीं, इसमें आपके कॉमेडी साथी भी हैं, आपको नाम भी बताऊं, भारती जी, वो 30 ग्राम जो गांजे के लेकर के प्रकरण उठा और उन पर मुकदमा और उनका भी कार्रवाई भी है, तो कानून अब वो तो एक छोटा मामला था, ये ड्रग्स का मामला तो कहीं ना कहीं बड़ा भी हुआ है इस मामले में, तो मतलब आप किस निगाह से देखना चाहते हैं कि जो इंडस्ट्री है उसमें भी इस तरह की मतलब चीजें, जो हमारे युवा हमारे देश को जो रोल मॉडल है जैसे शाहरुख खान हुए या कोई भी हीरो हुए, वो रोल मॉडल है, कहीं ना कहीं पीढ़ी जो है उनको देखती है सिनेमा पे, उनकी यदि उनके जो बच्चे हैं वो युवा पीढ़ी ऐसे केसों में मिलेंगे तो मतलब क्या देश के लिए कहाँ जाएगा? क्या मुझे लगता है कि इसमें माँ बाप का क्या कुछ जी, अगर आपका बच्चा या आपका भाई या आपका कोई रिश्तेदार, जैसे मेरे पिताजी रेलवे में थे और बहुत शराबी थे बहुत ज्यादा, और मैंने कभी शराब को छुआ नहीं, तो चाहता तो मुझे एक बहाना था कि मेरे पिताजी पी रहे तो मैं भी पीऊंगा, और वैसे ही उनकी तरह ही सीख सकता था मैं। तो हर बंदा अपने हिसाब से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाता है उसमें, तो मुझे ऐसा लगता है कि शाहरुख को तो खैर इसमें कोई गुनहगार मैं नहीं मानता, शाहरुख भाई को जहाँ तक, क्योंकि आर्यन को भी मैंने गोद में खिलाया, शाहरुख के साथ मैं शाहरुख साहब के साथ बहुत सारे शोज करने का मौका मिला, तो रिहर्सल के दरमियान आज से 17-18 साल पहले की बात है कि वो बच्चे को लेके आते थे, शाहरुख भाई रिहर्सल कर रहे थे, हम बच्चे के साथ खेल रहे, सब वो सब माहौल था। तो क्यूट फैमिली है, अच्छी फैमिली है, VIP फैमिली है हमारे देश की, ऐसा तो कुछ उन्होंने कभी ऐसा कुछ किया नहीं कि जिसकी वजह से देश को शर्मिंदगी होनी पड़ी। तो और फिर एक बार कहूँगा कि उसमें बच्चे ने अगर गलत कदम उठाया तो बच्चे को सोच समझ के समझा कर हमें, क्योंकि ये क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसमें ये कोई मर्डर या कोई बलात्कार जैसा कोई संगीन क्राइम नहीं है, कुछ गलती हुई है तो मुझे लगता है कि इसमें अपना ही मामला है, अपने ही शहर का मामला, अपने युवाओं का, हमारे युवा कितना ही कुछ हमारे हैं, यूथ ही देश का भविष्य है, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी नरमी बरती जानी चाहिए, बाकी कानून जो फैसला करेगा हम कानून का भी सम्मान करते हैं, तो कानून हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ। सर आप स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं और काफ़ी नाम भी कमाया और आपको शोहरत भी मिली, सब कुछ मिला, आजकल जो स्टैंड अप कॉमेडी अब आई है डबल मीनिंग शब्द से और ऊपर, मतलब हम उस बल्गैरिटी जो शब्द जो आ रहे हैं,
क्या कहना चाहेंगे, ये किस तरह का माहौल बनाते हैं हमारे बीच? देखिए क्या है कि अब इसके दो तीन जवाब हो सकते हैं। एक तो जवाब ये है कि चल रहे हैं तो कौन देख रहा है, कोई दो देख रहा हो इसके लिए चल रहे हैं, उन देखने वालों को समझ में आना चाहिए हम क्या देख रहे हैं और क्यों देख रहे हैं, इससे इनको बढ़ावा मिलेगा। ये जब बढ़ावा मिलेगा, जिस देखिए बुराई को जब बढ़ावा मिलता है तो वो बुराई ही क्रिएट करते हैं, अच्छाई को बढ़ावा मिलता है तो वो अच्छाई क्रिएट करते हैं। तो हमारे पास में जो दर्शक वर्ग है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अच्छी चीज़ें देखें, अच्छी बातें देखें, ताकि अच्छाई को आगे बढ़ने का मौका मिले। बाकी दर्शकों को मैं रोक तो नहीं सकता, वो दर्शक ही है जो देख रहे हैं उनको, जिसकी वजह से OTT वाले, वेब सीरीज वाले, ये जो जिनकी कॉमेडी की बात कर रहे हैं, ऐसे लोग आ रहे हैं, उनको लग रहा है कि यार अगर देख रहे लोग तो पसंद कर रहे हैं, तो उसमें वो कल अगर एक गाली दी या कोई गलत गंदा सीन किया तो आज चार कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है पसंद किया, बिल्कुल प्रोवाइड किया जा रहा है, माल मार्केट में बिक रहा है ना। जी जी जी, तो आपको नहीं लगता सर OTT प्लेटफॉर्म पे कोई नियमन या कोई बोर्ड या इस तरीके से जो मतलब कानून भी बनने चाहिए? कानून जो है वो समाज के लिए होते हैं, आप अपने आप में अगर इंसान जी तो आपकी अपनी शर्म हया होती है, आपकी अपने खुद के कुछ पर्सनल सेंसरशिप होती है। जी सर, यहाँ पे थोड़ी सी एक बात फंस जाती है, जैसे लॉकडाउन आया आपने देखा भी होगा, तो बच्चों को मजबूरी हो गई मोबाइल देना, इंटरनेट पे क्लासेस भी ऑनलाइन है, सब कुछ है, कौन सा ऐड आ रहा है क्या आ रहा है, तो वो जब मतलब जो एक मायाजाल इंटरनेट का, जैसे मायाजाल कहते हैं, वो डाटा जब वहाँ पड़ा रहेगा इंटरनेट पे तो कहीं ना कहीं वो ओपन भी होगा, खुलेगा, तो कहीं ना कहीं इसलिए ऐसे नियम की आवश्यकता है जो मतलब बच्चों की एज के जो मोबाइल जब खोलते हैं, हालांकि यूट्यूब में है कई सारी चीज़ें हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्या OTT प्लेटफॉर्म पे भी तो ऐसे नियम लागू होने चाहिए? यदि बच्चा होने वाले भी है और ऐसे नियम होने चाहिए हम सबको मिलके, मैं हमेशा बहुत बोलते रहता है सब चीज़ों के बारे में, मैं सोचता हूँ कि ऐसा करने वाले आतंकवादी से कम नहीं होते, जो समझ में नहीं आए थे मेरी नज़र में समाज में नहीं आते जी, तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन अब धीरे धीरे समझेंगे लोग, और उनके भी चाहने वाले बहुत है, तो वो सपोर्ट करते तो लोग सबको लगता होगा शादी पसंद की जाती है, तो मिक्स है अभी लोगों के पास, जनता के पास में इतने सारे ऑप्शन हो गए हैं, अच्छी चीज़ देखेंगे तो अच्छा ही, अच्छी बड़े अच्छी कंटेंट आएंगे, अच्छे कलाकार आएंगे जी, और बुरी चीज़ होगी तो बुरे कलाकार होंगे, क्योंकि भैया इंसान यहाँ पर सिर्फ वो सोचता ही नहीं ना, कि वो सोचता कि यार बाढ़ में जाए जनता मेरा काम बन जी वाला ही साहब। बिल्कुल सर, आखिरी सवाल, क्या हम आपको बड़े या छोटे पर्दे पे जल्द कहीं देखने वाले हैं? किस में सर? अब एक फिल्म भीमा कोरेगांव की फिल्म आ रही है, जिसमें राजीव नामपाल के साथ में मैं, अच्छा, फिर राजपाल यादव और मैं, एक फिल्म आ रही है मैंने सुपर जासूस जी, फिर फैमिली 420 फिल्म आ रही है, असलानी जी है और उपासना सिंह है जी, और अभी हमारी एक फिल्म OTT पर स्ट्रीमिंग चल रही है शिमारो मी पर, लॉकडाउन टू अनलॉक जी, ये लॉकडाउन पर फिल्म बनाई मैंने, जिसमें गणेश आचार्य जी हैं, मैं हूँ, मास्टर एहसान कुरेशी है, विजय पाटकर जी, बहुत सारे कलाकार हैं, सोनू निगम जी ने गाने गए हैं वो भी है, एंड तो उसको आप देख सकते हैं, बिफोर यू पर म्यूज़िक आया है लॉकडाउन टू अनलॉक का, वो भी आप सुन सकते हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, और हम भी चाहते हैं कि आपके जो फैन हैं आपको बहुत सारा ढेर सारा प्यार दें, और इसी तरह आप बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, सुनील पाल कॉमेडियन, सुनील पाल ऑफिशियल, यूट्यूब चैनल पर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर।